हेलो गाइस, आज हम आपको कुर्ती पर स्लीव अटैच करने के दो तरीके वेरी इजी वे में बताएंगे। एक तरीका ये है जिसमें हमने कुर्ती पर लगाने के लिए स्लीव रेडी कर ली है, जिसमें हमने मोरी से आर्म होल तक की सिलाई कर ली है। दूसरे तरीके में हमने ये सिलाई नहीं की है, ये सिलाई हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको ये स्लीव अटैच करना बताएंगे। कुर्ती के साथ स्लीव अटैच करने के लिए फ्रंट साइड की कटिंग फ्रंट साइड से और बैक साइड की कटिंग बैक साइड की कटिंग से अटैच करनी होती है। इसके लिए पहले शर्ट को उल्टा करेंगे और स्लीव को सीधा ही रखेंगे। इसमें हमने कुर्ती की फिटिंग की सिलाई कर ली है। अब स्लीव को आर्म होल से या नेक से डालकर अटैच करेंगे। बैक साइड बैक से और फ्रंट साइड फ्रंट से अटैच करें, इस बात का ध्यान रखें और सिलाई लगाना शुरू करें। सिलाई से सिलाई मिलाते हुए और कपड़े को ढीला छोड़ते हुए और आधा इंच का दबाव रखते हुए सिलाई लगा लें। इस तरह घुमाकर पूरी सिलाई कवर कर लें। इस तरह ये स्लीव लग गई है। दूसरा तरीका ये है जिसमें हमने स्लीव की फिटिंग की सिलाई अभी नहीं करनी है, हमने इसे पहले शर्ट से अटैच करना है। फ्रंट साइड से फ्रंट साइड जोड़नी है और बैक साइड से बैक साइड। सेंटर पर छोटा सा कट लगा लें। ये कुर्ती का सीधा साइड है, सीधी साइड से स्लीव जोड़ें। कुर्ती की फिटिंग की सिलाई बाद में होगी, पहले बाजू अटैच कर लें, इसके बाद ही फिटिंग की सिलाई करें। स्लीव का सेंटर का कट और कुर्ती की सिलाई और सीधी साइड आपस में मिली हो और सिलाई लगाना शुरू करें। सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करें। आधे इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगाएं और कपड़े को ढीला ही रखें। एक साइड से सिलाई लगने के बाद सेंटर से दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगाएं।
अब स्लीव की और शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगाएं। जितने भी मोरी रखनी है निशान लगाकर सिलाई करें। स्लीव के साथ ही कुर्ती की फिटिंग की सिलाई करनी है। ये स्लीव लगाना बेहद ही आसान है। इस तरह दूसरी बाजू भी लग गई है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मार्जिन रखते हुए स्लीव से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दें। हमने यहाँ पर आपको दो अलग अलग तरीके से स्लीव अटैच करना सिखाया है। आप कोई एक तरीका यूज करें।